जबलपुर में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के द्वारा होटलों, अस्पतालों, पेट्रोल पंपों की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है, जिसमें टीम के द्वारा निरीक्षण कर नियम विरुद्ध चल रहे संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज जांच दल की टीम पनागर के बरोदा चौराहे में स्थित 3 मंजिला नर्सिंग होम में निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर संध्या पांडे टीम को मौके पर मिली, जिनकी डिग्री की जांच किए जाने पर उनकी डिग्री होम्योपैथी की होनी पाई गई, लेकिन मौके पर एलोपैथी के मापदंडों के अनुरूप इलाज किया जा रहा था, जिस पर जांच दल की टीम ने नियम विरुद्ध चलाए जा रहे नर्सिंग होम को मौके पर सील करने की कार्रवाई कर नर्सिंग होम को बंद कर दिया गया। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि नर्सिंग होम का संचालन होम्योपैथी की डिग्री पर एलोपैथी के मापदंडों पर किया जा रहा था, जिसका पंजीकरण नहीं किया जाता है, जिस पर जांच दल ने नर्सिंग होम को सील करने की कार्रवाई की है। पनागर ब्लॉक में बरोदा चौराहे पे एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक चला रही थी, कोई डॉक्टर पांडे है, और उनके पास जो टीम माननीय कलेक्टर महोदय ने राज्य शासन के निर्देश से अलग अलग विभाग के अधिकारियों की टीमें बनाई हैं, जो हर ब्लॉक में अलग अलग ब्लॉक के लिए एक टीम है, वो हर तरह के जो कहना चाहिए दुकानें हैं, क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल हैं, उनमें जाकर उन्हें पैरामीटर जो मापदंड हैं उनको चेक करना है। तो इस क्लिनिक में जो डॉक्टर साहब थीं उनके पास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कोई डिप्लोमा या डिग्री था, उसे उन्होंने चेक किया, फिर हमारे ऑफिस से कंफर्म किया कि क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का अपन पंजीकरण करते हैं, तो बताया गया कि पंजीकरण नहीं किया जाता है। लेकिन उनकी क्लिनिक में जैसा बताया टीम ने कि एक पेशेंट को सलाइन की ड्रिप चढ़ी हुई थी, एलोपैथी से संबंधित इंजेक्शंस वहां पाए गए, पहली मंजिल पर पलंग पड़े हुए थे, इसके साथ साथ जैसा बताया गया कि साहब एक कक्ष यह है जहाँ यह ऑपरेशन कक्ष है, वहाँ कुछ पाया नहीं गया, न किसी का ऑपरेशन हुआ देखा गया, लेकिन कुल मिलाकर जो वहाँ का कहना चाहिए परिस्थिति थी वो उनके अनुकूल नहीं थी कि जिस विधा की वो डॉक्टर हैं वो इस तरह की दवाइयों का इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकें। तो जो टीम थी उन्होंने उसको कार्यवाही करते हुए उनके क्लिनिक को बंद कर दिया। किस नाम से डॉक्टर? कोई डॉक्टर पांडे हैं, कोई क्लिनिक का विशेष नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन कोई डॉक्टर मैडम हैं, फीमेल डॉक्टर थी, डॉक्टर पांडे हैं।